हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। आज आपके लिए एक नया PDF अपलोड कर दिया गया है। PDF इसी टॉपिक का है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959। ये भी आपका एक हैंड रिटन PDF है। इस बार का PDF काफ़ी लंबा बना है। जैसे आप सभी को मालूम है कि इसमें 19 अध्याय और लगभग आपका 264 धाराएँ हैं। इससे पहले जितने भी PDF मिले हैं आपको 7 से 8 पेज के मिले, लेकिन इस बार जो इसका नोट्स ही बना है, जो थ्योरी वाला जो नोट्स बना है, लगभग 20 से 22 पेज का इसका थ्योरी नोट्स है और 40 से 50 क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 25 पेज का तो आपका इस बार का PDF ही बना है। ठीक है, काफी लंबा इस बार का नोट्स बना है। देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तभी इस नोट्स को लीजिएगा, लेकर के रखे रहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने काफी दिनों से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे जैसे हम इन चीजों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट इससे टूटते जा रहा है। काफी लोगों ने तो अभी से सरेंडर कर दिया है। कई लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप में आते हैं, फेसबुक में आते हैं कि इतनी सारी धाराएं इसमें दी गई है जो कि हमसे याद नहीं हो पा रही है। 311 के आसपास धाराएं आपके IPC जो आपका भारतीय दंड संहिता है उसमें है, 264 धारा आपकी भू राजस्व संहिता में, भी पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे आपके जो अधिनियम है उसमें बहुत सारे धाराएं ही धाराएं हैं। ठीक, तो काफी लोगों का इसमें, अब जैसे पार्ट वन जैसे ही आता है किसी भी एक नए टॉपिक का, जैसे आपका भू राजस्व संहिता का पार्ट वन आया या आपका सूचना का अधिकार अधिनियम का पार्ट वन आया, तो एक नए टॉपिक में आप लोगों में काफी उत्साह रहता है, काफी जोश रहता है, सभी के सभी देखने आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, डीप में घुसते जाते हैं, डीप में इस टॉपिक में जाते जाते हम लोग, तो आप लोगों के व्यूज कम हो रहे हैं और आप लोगों का व्यूज की परवाह नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। ठीक, देखिए ऐसा नहीं है, अब इसमें आप लोगों ने हाथ डाल दिया है तो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी हम धाराएं पढ़ रहे हैं केवल धाराओं से ही प्रश्न आएंगे, धाराओं से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन जो हम इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न आएंगे, पूरे के पूरे आपसे धाराओं से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल की संरचना बताइए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलकर बना है, एक अध्यक्ष 3 सदस्यों से मिलकर बना है, एक अध्यक्ष 4 सदस्यों से मिलकर बना है, ऐसे करके आपसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन दे देगा। या आपसे पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत किसी उपबंध का उल्लंघन किए जाने की दशा में किस राजस्व पदाधिकारी को दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है ना, या फिर आपसे पूछेगा कि जो आपका पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है उसके अंतर्गत तो प्रयोगशाला स्थापित करने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, संसद का है, ठीक, या किसी या कलेक्टर का है। ऐसे आपसे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे, तो आप केवल धाराओं को देख करके हड़बड़ाइए मत। ठीक, और ये मत सोचिए, देखिए आप सभी को मालूम है कि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है और सभी में समान भाषाओं का यूज़ किया गया है, जो आपकी लॉ की लैंग्वेज है वैसे ही भाषा का यूज़ किया गया है। अभी थोड़ा अपना तैयारी कीजिए, अपना जो स्टडी है उसको थोड़ा सा पुश करके थोड़ा और आगे ले जाइए। केवल आपके लिए नहीं, जितने भी लोगों ने CMO का पेपर CMO के लिए फॉर्म भरा है सभी के लिए चीज़ें नहीं हैं। ठीक, बाद में आप एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर देखेंगे, कुछ चीज़ें आपसे बन रही होगी, उसके बाद फिर आप लोगों के पास ये बहाना मत बनाइएगा कि हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं था। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं था तो जितने लोगों ने भरा है किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं था। आप सभी को मालूम है कि मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उससे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे होंगे एडवांस जिनको समझ में आ रहा है, लेकिन जितने मेरे पास मैसेज आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ें तो मालूम चल गई है कि मार्केट के बुक में सेम लैंग्वेज यूज़ हुई है और उसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो मटेरियल आपके पास नहीं, किसी के पास मटेरियल नहीं है, तो ये मत बहाना बनाइएगा बाद में कि हमारे पास मटेरियल नहीं था करके हमने इस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं की। सभी के लिए टॉपिक नया है, सिलेबस नया है, सभी के सभी एक समान स्तर पर रह करके एक एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसे बहुत सारे सेक्शन और बहुत सारे धाराएं हैं, नई चीज़ें हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। सही चीज़ बताऊं तो मुझे भी इन चीज़ों को पढ़ने और पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि नई चीज़ें समझने के लिए मिल रही है। ठीक, तो इतने दूर आ गए हैं तैयारी करते हुए, थोड़ा सा और तैयारी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन पर ध्यान नहीं दे सकते तो जो इसमें कॉन्सेप्ट चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, आपके लिए और सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स नए ही हैं। ठीक, तो काफ़ी समय ले लिया लेकिन ये चीज़ों को समझाना आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी था, बहुत मैसेजेस आ रहे थे करके थोड़ा आप लोगों को टाइम निकाल के मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बताई है। तो अपने स्टडी को लेक मत कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश करके इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ने का और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, और आपका जैसे मैंने कहा कि इसका जो CMO का कुछ लोग बोल रहे थे टेस्ट पेपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस सेट आपको PDF के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे प्रिपेयर करते रहिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, जिसमें हम आज अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13, तीन चैप्टर एक बार में खत्म करने वाले हैं। ठीक, देखिए
सबसे पहले नंबर पर है आपका अध्याय 11 जिसमें आपका भू राजस्व की उगाही के बारे में बताया गया है, जिसमें है आपका सेक्शन 137 से लेकर के 156 तक भू राजस्व की उगाही का मतलब क्या है। इसमें यह बताया गया है कि भू राजस्व लगाती है, यानी जो रेवेन्यू किसी एक भूमि के ऊपर जो वसूलती है, तो किससे वसूला जाएगा, कौन इसका भूस्वामी कहलाएगा और किससे ये जो वसूली है वो किससे की जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले नंबर पर है आपका धारा 138। देखिए मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर कराते चल रहा हूँ। धारा 138 जिसमें क्या बताया गया है, भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी, मतलब कौन सा व्यक्ति है जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए भूमि का स्वामी, सरकारी पट्टेदार और पृथक दायित्व। भूमि का स्वामी यानी जिसकी भूमि है, जो भूमि का स्वामी होगा, बेसिक चीज है। देखिए सेक्शन भले आपके दिए गए हैं लेकिन इसमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए, आप सभी को मालूम होगा भू राजस्व कौन देगा, जिसकी भूमि है वही भू राजस्व ही देगा। तो वैसे ही है, देखिए जो भूमि का स्वामी है यानी जिसकी भूमि है वो भू राजस्व देगा। यदि सरकारी पट्टेदार यानी सरकार से उसने पट्टे पे जमीन ली हुई है, तो वो पट्टे पे जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, तो वो आपका पट्टे के लिए जो भी कीमत रहेगी यानी जो भू राजस्व रहेगा वो देगा। इसके अलावा पृथक दायित्व, मान लीजिए एक ठोक भूमि है उसके 3-4 ठोक आपके भूस्वामी हैं, एक भूमि के 3-4 भूस्वामी हैं या एक पट्टा भूमि के 3-4 हैं, तो उसमें क्या है, वो 3-4 जो भूस्वामी हैं उनमें पृथक पृथक रूप से उससे राजस्व की वसूली की जाएगी। ठीक, तो वही है आपका पृथक दायित्व यानी भू राजस्व के भुगतान के लिए दायित्व, जिसमें भूमि स्वामी से वसूला जाएगा या भूमि स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा या सरकारी पट्टेदार उसके लिए उत्तरदायी होगा या एक से अधिक आपके भू स्वामी है या एक से अधिक आपके सरकारी पट्टेदार है, तो पृथक पृथक रूप से उनसे वसूली की जाएगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 139। धारा 139 से बताया गया है आपके व्यक्तिक्रम की दशा में। व्यक्तिक्रम की दशा में मतलब देखिए कब्जे में रखने वाले व्यक्ति ठीक, इसका मतलब क्या है, जैसे सरकारी पट्टेदार में क्या होता है, सरकार जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार 30 साल के लिए लोगों को एक डॉक्यूमेंट तैयार करके, एक पट्टा का पावती तैयार करके लोगों को 30 साल के लिए पट्टे की भूमि अलॉट करती है। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, जो सरकार ने जो 30 साल के लिए भूमि अलॉट की है, सरकारी ही पट्टे की भूमि को ही बेच करके अपना कहीं और जाके सेटल हो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में सरकार ने क्या किया है कि व्यक्तिक्रम की दशा में यानी जो व्यक्ति उस पट्टे वाले भूमि पर एट प्रेजेंट रह रहा है, यानी कोई एक सरकारी आपका अधिकारी गया भू राजस्व वसूली करने के लिए, तो एट प्रेजेंट उस भूमि पर जो व्यक्ति रह रहा होगा या जिसके कब्जे में वो भूमि होगी, उसी व्यक्ति से आपका कब्जे में रहने वाले व्यक्ति से आपके भू राजस्व की उगाही यानी भू राजस्व की वसूली की जाएगी। ठीक, एट प्रेजेंट वर्तमान में कब्जे में रखने वाले व्यक्ति से यानी व्यक्तिक्रम की दशा में एक व्यक्ति से वो किसी और के पास वो कब्जे में चले गई भूमि, तो कब्जे में रखने वाले व्यक्ति से आपका भू राजस्व की वसूली की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट धारा 140 से बताया गया है भू राजस्व का भुगतान प्रारंभ। भू राजस्व का भुगतान कब से प्रारंभ होगा, भू राजस्व का भुगतान प्रारंभ होगा आपका राजस्व वर्ष का प्रथम दिवस। छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था, जब हमने परिभाषा पढ़ा था धारा 2 में सेक्शन 2 में जब हमने डेफिनेशन पढ़े थे, तो उसमें क्या बताया था, राजस्व वर्ष छत्तीसगढ़ का राजस्व वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अक्टूबर से। तो वही बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो भू राजस्व का भुगतान प्रारंभ होगा राजस्व वर्ष के प्रथम दिवस से। ठीक, नेक्स्ट है आपका धारा 141 से बताया गया है बकाया और बकायादार। सिंपल है, बकाया और बकायादार क्या होता है इसको बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भू राजस्व के प्रथम तिथि से यानी एक वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष के लिए एक नया भू राजस्व तैयार होगा, तो उस भू राजस्व का जो तिथि प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ तिथि से जैसे समय बढ़ते जाएगा तो व्यक्ति के ऊपर जो भू राजस्व है तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक राशि बकाया हो जाएगी। बकाया हो गई तो जो राशि बकाया हो गई यानी वर्ष तो चालू हो गया, राजस्व वर्ष चालू हो गया, तो राजस्व वर्ष चालू होने के साथ साथ भूमि स्वामी राजस्व देने का उसका समय हो जाता है, तो यानी अब उसके ऊपर वो राशि बकाया हो गई, तो वही बताया गया है बकायादार यानी जिसके ऊपर जो राशि बकाया है या जो भू राजस्व बकाया बचा हुआ है वो बकायादार कहलाता है। ठीक, केवल बकाया और बकायादार बस इतना याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका धारा 147 में बताया गया है बकाया वसूली की प्रक्रिया, यानी बकाया मतलब जो बकाया भू राजस्व बचा हुआ है क्या होता है। कई बार जैसे सरकारी पट्टे की ही मैं बात कर रहा हूँ, आपको सरकारी पट्टे का ही एग्जांपल देते हुए चल रहा हूँ, जैसे सरकार ने पट्टे पे भूमि देती है उसके एवज में वो हर साल उनसे रेवेन्यू यानी भू राजस्व की वसूली करती है, लेकिन लोग क्या करते हैं 3-3 साल 4-4 साल वो जो राजस्व या अपना टैक्स पटाते ही नहीं है। ठीक, तो वो कहलाता है बकाया।
सरकार ने उन्हें सरकारी पट्टा अलॉट किया है पर्टिकुलर एक टैक्स डिसाइड करके कि आपको हर साल जितने आपके क्षेत्रफल पे भूमि फैली हुई है उसके बदले में आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 3 सालों का 4 सालों का टैक्स पटाते ही नहीं, मतलब वो क्या हो गया, उनकी राशि बकाया हो गई, और जो टैक्स नहीं पटा रहा है वो हो गया आपका बकायादार। तो अब इस कंडीशन में आता है आपका धारा 147 बकाया वसूली की प्रक्रिया। अब सरकार यदि चाहे यदि उसे टैक्स कलेक्ट करना है या बकाया की उससे वसूली करना है तो उस कंडीशन में वो किस प्रकार से करेगी, कुर्की या विक्रय के द्वारा। कुर्की मतलब जब्ती, कुर्की के लिए यूज होता है वर्ड जब्ती, किसी के सामानों को जब्ती कर या उसके जो भूमि है उसको जब्ती कर और उसके विक्रय के द्वारा, ठीक। दूसरा आदेशिका जारी, ये जो कुर्की और आपका जो विक्रय है यानी जो जब्ती और विक्रय करने की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ होगी कब, जब आदेशिका जारी करेगा कौन, तहसीलदार। तहसीलदार के द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा जिसके बाद ही पर्टिकुलर जो आपका जो भूमि स्वामी है भूमि स्वामी से बकाया वसूली करने के लिए आपका ये कुर्की और विक्रय की प्रक्रिया लाई जाएगी, ठीक। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, जो आपके जब्ती और विक्रय की प्रक्रिया है यानी उससे उसकी कुछ सामान उनसे जब्त कर लिए, जैसे आप सभी को मालूम है नीलामी होता है, वही चीज़ है नीलामी, उनके सामानों को जब्त करके उनके सामानों की नीलामी की जाएगी और नीलाम हुए सामान से ही आपका जो सरकार है अपना जो बकाया है उसको वसूल कर सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप सभी को मालूम है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लोगों में हड़कंप मच जाता है, तो कई सालों से लोगों के बकाया बचे रहते हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जैसे अगर कोई परिवार है तो परिवार में रहने वाले स्त्री और बच्चे हैं तो उनके कपड़े को नहीं बेचा जा सकता, उनके पलंग को नहीं बेचा जा सकता, उनके खाना बनाने वाले बर्तनों को नहीं बेचा जा सकता। यदि कोई कृषक है तो उसके कृषि औजारों को आप नहीं बेच सकते, उसके अलावा यदि कोई शिल्पकार है तो शिल्पकार के औजारों को आप नहीं बेच सकते। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन भी दिए गए हैं कि किन किन सामानों को आप नहीं बेच सकते। तो बस इतना याद रखिएगा कि बकाया वसूली के लिए जो सरकार जो प्रोसीजर अपनाती है वो है आपकी कुर्की और विक्रय यानी जब्ती करके उसे बेचने की प्रक्रिया। वो जब्ती करके बेचने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, जब एक आदेशिका जारी किया जाएगा तहसीलदार के द्वारा, ठीक। इतना याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अध्याय 12 जिसमें बताया गया है आपके भूधारी के बारे में, भूधारी मतलब भूमि के स्वामी के बारे में। यदि आप देखेंगे तो इसकी ये जो हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता पढ़ रहे हैं ना उसमें सेम चीज़ों को घुमा फिरा करके बताने का कोशिश किया गया है अलग अलग तरीके से। देखिए भू स्वामी या इसमें भूधारी, भूधारी का मतलब ही होता है भू स्वामी। देखिए राज्य से धारित भूमियों के भूधारियों का केवल 1 वर्ष होगा, राज्य से धारित भूमियों के भूधारियों का केवल 1 वर्ष होगा जो भू स्वामी के नाम से ज्ञात होगा। मतलब वही चीज है टैक्स और भू राजस्व, ठीक। यानी आपको अपने प्रॉपर्टी के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो सरकार के पास एक डाटा आ जाता है जिस डाटा के बेस पर सरकार आपको, देखिए टैक्स कैसे पटाते हैं, वित्तीय वर्ष कितना होता है, 1 साल का 1 वित्तीय वर्ष होता है। तो पर्टिकुलर 1 साल का जो आपने सरकार का भू राजस्व भुगतान किया, तो देखिए भू राजस्व भुगतान किसके लिए हो रहा है, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए जो आपने सरकार को भू राजस्व का भुगतान किया तो उस 1 वर्ष के लिए आपको सरकार को मालूम चल गया कि इस 1 वित्तीय वर्ष के लिए पर्टिकुलर इस भूमि का भू स्वामी कौन है। तो वही कहा गया है कि राज्य से धारित, राज्य सरकार द्वारा धारित यदि कोई भूमि है तो उस भूमि के भूधारियों का केवल 1 वर्ष होगा जो भू स्वामी के नाम से ज्ञात होगा, ठीक। यानी पर्टिकुलर आपने टैक्स पटाया, टैक्स पटाने के बाद सरकार को मालूम चलेगा कि इस क्षेत्र इतने इतने क्षेत्रफल की इस जगह की भूमि का भूस्वामी कौन है, ठीक। नेक्स्ट है आपका धारा 158, धारा 158 में बताया गया है कि भूमि स्वामी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भू राजस्व या लगान का भुगतान करेगा। बेसिक चीज़ है, यानी जो आपका भूमि स्वामी होगा, जिसकी भूमि है, जो भूमि का स्वामी है उसे पर्टिकुलर आपका लगान और टैक्स पटाना पड़ेगा, ये बताया गया। ये एक तरीका कर्तव्य है, यानी जो आपका भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी को आपका धारा 158 के अंतर्गत भूमि स्वामी को अपनी भूमि के एवज में सरकार को भू राजस्व या लगान देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका विनिमय या एक्सचेंज क्या होता है। विनिमय या एक्सचेंज पर्टिकुलर किसी प्रायोजन के लिए कोई भूमिधारक अपने संपूर्ण खाते का या उसके कुछ भाग का पारस्परिक करार के द्वारा उसका विनिमय कर दे या उसका एक्सचेंज कर दे। यानी कोई एक भूधारक है, यानी कोई एक भूमि का स्वामी है, वो अपने भूमि के जो अपना उसका भूमि है उस भूमि का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपस में समझौता करके एक एग्रीमेंट करके अपने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करे उसके साथ, ठीक। तो
वही बताया गया है। देखिए इसमें क्या है, केवल दो ही कंडीशन है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में, इसके लिए केवल दो ही कंडीशन बताया गया है। देखिए कब कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर सकता है, पारस्परिक करार के द्वारा यानी आपसी समझौते के द्वारा। फर्स्ट, खातों की चकबंदी के लिए। देखिए यहाँ जो खाता वर्ड यूज़ हो रहा है, खाता मतलब उसकी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, उसकी खेत की, उसकी घर की, सारे प्रॉपर्टियों को मिलाकर के यहाँ खाता कहा जा रहा है। तो खातों की चकबंदी के लिए, और दूसरा खातों में अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, खातों की चकबंदी के लिए और खातों की अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मन किया तो आप आपस में समझौता करके प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर लिए, इसका भी एक प्रोसीजर है। जैसे ये चकबंदी जो वर्ड यूज हो रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक चकबंदी अधिकारी होता है, चकबंदी अधिकारी होता है, उसके ऊपर बंदोबस्त अधिकारी होता है, उसके ऊपर बंदोबस्त आयुक्त होता है, ये वही है। देखिए चकबंदी में क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ समझा रहा हूँ, एक यहाँ पे एक बहुत सारे खेत हैं, ठीक, इतना हिस्सा, ये चार हिस्सा है, ये प्रॉपर्टी आपका ए का है, यहाँ पे बी का है, यहाँ पे सी का है, यहाँ पे डी का है, ठीक, आसपास में एक दूसरे के खेत जुड़े हुए, खेत का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, यहाँ पे ए का खेत है, बी का खेत है, सी का खेत है, डी का खेत है। अब यहाँ पे फिर यहाँ दूसरे लोगों का खेत आ गया, ए का जो खेत है यहाँ पर भी है, दूसरा खेत यहाँ पर है, ठीक, मतलब अलग अलग उसके खेत फैले हुए हैं। तो इसके लिए ये आया है चकबंदी, यानी आप चकबंदी के लिए इन व्यक्तियों से समझौता करके, परस्पर समझौता करके, परस्पर आपसी करार करके चकबंदी अधिकारी के पास जा सकते हैं, जिसके पश्चात चकबंदी अधिकारी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, उसमें क्या करेगा, इन लोग आपसे समझौता करेंगे तो उसके बाद बी को जो प्रॉपर्टी है यहाँ अलॉट हो जाएगी, सी को जो प्रॉपर्टी है ए के जगह पर अलॉट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ए की प्रॉपर्टी यहाँ से हट के यहाँ आ गई, ए की प्रॉपर्टी यहाँ से हट के इधर आ गई, यानी अब इतना बड़ा हिस्सा जो उसके, इससे क्या होता है, देखिए अगर अलग अलग खेत है तो उसमें क्या जोत का आकार छोटा हो जाता है, फसलों को उगाने में काफी समस्या होती है, या कृषि उपकरणों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए काफी समस्याएं आती है। तो इसके लिए लाया गया है आपका एक चकबंदी, जिसमें क्या है, आप आपसी समझौता करके, आपसी करार के लिए चकबंदी अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वो आपसे आपसी समझौता करके आपकी जो अलग अलग जो आपकी भूमि फैली हुई है उसे एक जगह पर ला सकते हैं आप, ठीक। दूसरा है खातों में अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, खातों में अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, खेत से मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास खेत है, एक मान लीजिए ए है, ए के पास खेत है जो कि नहर के पास है, दूसरा है बी, बी का जो है जो खेत नहर से काफी दूर है। तो देखिए जिसका खेत आपका ए, जिसका यहाँ एक ए का जो खेत है उसमें वो गन्ना का फसल उगा सकते हैं, आप सभी को मालूम है गन्ना का फसल उगाने के लिए उसे काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ए गन्ना का उपज लेना नहीं चाहता, बी जो कि गन्ना का उपज लेना चाहता है लेकिन उसके पास सिंचाई सुविधा नहीं है, तो इन लोग क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसे गन्ने की फसल उगानी है और जो बी है उसे गन्ने की, बी है उसे गन्ने की फसल उगानी है और ए को गन्ने की फसल नहीं उगानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सुविधा, जिसके पास सुविधा है लेकिन वो उसका लाभ लेना नहीं चाहता, और जिसके पास सुविधा नहीं है वो उसका लाभ लेना चाहता है, तो इस कंडीशन में भी आप पारस्परिक समझौता करके आपस में अपनी भूमि को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वही बताया गया है, खातों की चकबंदी के लिए और खातों में अधिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से आप अपने प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक। देखिए इतना लंबा चौड़ा मेरे को प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 168, धारा 168 में आपका पट्टा लीज के बारे में बताया गया है। लीज क्या होता है, हम संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, पट्टा में क्या होता है, पट्टा में केवल भूमि के उपयोग या भूमि के उपभोग के अधिकारों का अंतरण या ट्रांसफर होता है, यानी किसी व्यक्ति को आप केवल भूमि के उपयोग करने का अधिकार देते हैं, स्वामी नहीं बनाते उसे भूमि का। तो वही बताया गया है कि यदि कोई भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी सरकार, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, राज्य सरकार द्वारा धारित भूमि का जो भूमि स्वामी है वो क्या करता है, अपनी भूमि को किसी को उपयोग करने के लिए पट्टे पर दे सकता है, लेकिन इसका भी कंडीशन है, धारा 168(1), धारा 168(1) में बताया गया है कि कोई भी भूमि स्वामी केवल एक वर्ष के लिए, केवल एक वर्ष के लिए अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है, एक वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दे सकता, और क्रमवर्ती 3 वर्ष के लिए, मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति को 1 साल के लिए उसने पट्टे पर भूमि दी, और ऐसे करते करते 1 साल के बाद फिर से उसको अपना पट्टा रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर दूसरा साल आ गया, फिर तीसरा साल, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही क्रमवर्ती 3 वर्षों के लिए वो पट्टे पर भूमि अलॉट कर सकता है। तो वही बताया गया है कि पट्टे पर भूमि दे सकता है लेकिन उसकी अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 वर्ष के बाद उसको पट्टा रिन्यू कराना पड़ेगा, और ऐसे करते करते क्रमवर्ती 3 वर्षों के लिए ही वो अपने पट्टी को, जो अपनी भूमि है उसे लीज पर या पट्टे पर दे सकता है।
ठीक। नेक्स्ट है आपका धारा 172 जिसमें भूमि के व्यपवर्तन के बारे में बताया गया है। भूमि का व्यपवर्तन क्या होता है, देखिए डाइवर्जन आप लोगों को साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे कई बार पेपर के अंदर बहुत सारे पॉम्पलेट फंस के आते हैं या कहीं जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं जिसमें लिखा रहता है बहुत ही सस्ते दामों में पाइए डाइवर्टेड प्लॉट, ठीक, डाइवर्टेड भूमि। तो यही है वही डाइवर्टेड। अभी डाइवर्टेड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को दूसरे प्रयोजन के लिए बदलना। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कृषि भूमि है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कृषि के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए। जैसे कोई एक किसान है, जैसे आप सभी को मालूम है कि हाईवे के साइड में बहुत सारे आपके लाइन से खेत रहते हैं, एक बीच में से हाईवे गुजरा हुआ है और हाईवे के साइड में बहुत सारे खेत रहते हैं। लेकिन अब जैसे वो जगह डेवलप हो रहा है तो कोई किसान क्या चाहता है कि खेत के बदले मैं यहाँ पर एक ठोक दुकान डाल दूं या इस यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा आपका जैसे पेट्रोल पंप डाल दूं। तो ऐसे क्या होता है, अन्य प्रयोजन के लिए, यानी वो कृषि को छोड़ करके अपने भूमि का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए लाना चाहता है, ठीक। तो वही बताया गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपके कृषि भूमि है, कृषि भूमि के लिए भू राजस्व अलग होता है, लेकिन कृषि के अलावा जो दूसरी भूमि है, जैसे आप रहने के लिए भूमि बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं या जैसे आप पेट्रोल पंप ही डाल रहे हैं, तो उसके लिए टैक्स अलग हो जाता है। तो इसी के बारे में बताया गया है आपके व्यपवर्तन में। आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई जैसे गाँव में भी आप यदि आप किसी गाँव में जाते हैं या आपका कोई गाँव है तो वहाँ आप देखे होंगे कि आबादी की जगह अलग रहती है, लोग एक जगह रहते हैं और कहीं थोड़ी दूरी पर, गांव से ही कुछ दूरी पर लोगों के अलग अलग खेत रहते हैं। सभी के खेत एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका घर है घर के पीछे ही खेत हो, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो आपके रहने की प्रयोजन की भूमि है, कुछ दूरी पे जो है वो आपकी कृषि करने की प्रयोजन की भूमि है। लेकिन यदि आप जो कृषि के प्रयोजन में या कृषि के उपयोग में लाने वाली भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए प्रोविजन है आपका भूमि का व्यपवर्तन, ठीक, यानी कृषि भूमि के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए, यानी आप कृषि के अलावा उस भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य से करना चाहते हैं तो आपको क्या है उसके लिए डाइवर्जन के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। किसके पास, उपखंड अधिकारी के पास, ठीक, उपखंड अधिकारी के पास, सॉरी यहां पे उपखंड अधिकारी नहीं, यहां पे सक्षम अधिकारी दिया है, ठीक, इसको सुधार लीजिएगा, सक्षम अधिकारी कोई भी हो सकता है, जैसे कलेक्टर पर्टिकुलर किसी एक तहसीलदार को ही दे दिया या नायब तहसीलदार को दे दिया, तो सक्षम अधिकारी मतलब किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो एट प्रेजेंट जो भी सक्षम अधिकारी होगा उसे आप आवेदन कर सकते हैं कि मुझे अपने कृषि प्रयोजन की भूमि को अन्य कार्य में लाना है, तो इसका जो भू राजस्व है उसका निर्धारण कर दीजिए। लेकिन इसका भी कंडीशन है, देखिए आवेदन करने से पहले आपका जो भूमि है वो तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहले, नगरीय क्षेत्र से 5 मील की सीमा के भीतर हो, यानी मान लीजिए एक नगर है, नगर से 5 मील की सीमा के, 5 मील की जो सीमा की जो त्रिज्या है, मतलब राउंड शेप, त्रिज्या के भीतर आपकी भूमि होनी चाहिए। यानी पर्टिकुलर एक नगरीय क्षेत्र है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ठीक, तो आप सभी को मालूम है कि जब नगर डेवलप हो चुका है तो आप भी अपने आप को अपने कृषि भूमि पर आप भी ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से आप किसानी थोड़ा ना करते रहेंगे, अपने भूमि पर भी आप थोड़ा दुकान बनाएंगे या कुछ अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो इसका कंडीशन ये है कि अगर कोई एक नगर बसा हुआ है तो नगर से 5 मील की त्रिज्या में यदि आपकी भूमि आ रही है तो आप अपनी भूमि को डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम भिलाई की बात कर रहे हैं, भिलाई में जहां पे आपका जो IIT बन रहा है, IIT पहले एक वीरान भूमि था, वहां पे अब IIT बन रहा है यानी वो डेवलप हो रहा है, तो उसके आसपास के 5 मील की त्रिज्या में पहले क्या था, वहां पे केवल खेती किसानी होती थी, लेकिन जब IIT बन रहा है मतलब वो डेवलप हो रहा है, एक तरीके से नगरीय क्षेत्र में आ रहा है, तो अब उसके आसपास के क्षेत्र में लोग क्या कर रहे हैं, अपने भूमि को डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्जन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि अब इससे हमको ज्यादा अर्निंग हो रही है, होगी। तो वही चीज है कि अगर एक क्षेत्र डेवलप हो रहा है तो आप अपने जो भूमि है उसे अन्य प्रयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बिना डाइवर्जन के लिए अप्लाई किए बिना आप अपने भूमि का उपयोग नहीं कर सकते।
ठीक, नगरीय क्षेत्र में 5 मील की त्रिज्या के भीतर। दूसरा, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि जनसंख्या 2000 से अधिक है, पर्टिकुलर एक ग्राम है, जैसे ग्राम पर छोटे छोटे गांव होते हैं जिसकी आबादी बहुत कम होती है, लेकिन किसी कोई एक गांव है जिसकी आबादी आपकी 2000 से अधिक है, तो उस क्षेत्र में आने वाली भूमि को लिए भी आप कृषि के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए, एक जगह के लिए यदि राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर दे कि इस क्षेत्र के लोग आपका डाइवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप आवेदन कर सकते हैं अपने भूमि के डाइवर्जन के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जन याद रखिएगा, भूमि का व्यपर्तन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से धारा में है, धारा है आपका 172। नेक्स्ट, सरकारी पट्टेदार और सेवा भूमि। सरकारी पट्टेदार और सेवा भूमि जो कि है आपका धारा 181 से लेकर धारा 184 के मध्य है आपका अध्याय 13। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार यानी वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार लोगों को रहने के लिए 30 साल के लिए पट्टा अलॉट करती है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को भी पट्टा अलॉट करती है, पर्टिकुलर एक 20-30 साल के लिए कंपनी स्थापित करने के लिए और उससे उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए भूमि अलॉट करती है, वही है यहाँ पर सरकारी पट्टेदार। धारा 181 में बताया गया कि सरकारी पट्टेदार किसे कहा जाएगा, राज्य सरकार से धारित भूमि, यानी वही राज्य सरकार से अगर वो कोई एक व्यक्ति भूमि धारित करता है, उपयोग करने का, उस व्यक्ति को उस भूमि का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा, उपभोग करने का, उस भूमि को जो राज्य सरकार से जो वो भूमि ला रहा है, भूमि ले रहा है, ठीक, तो उस भूमि पर उसका उपयोग करने का ही अधिकार होगा, लेकिन स्वामित्व नहीं होगा। स्वामी कौन हो रहेगा, राज्य सरकार, उस भूमि का स्वामी राज्य सरकार ही रहेगा। राज्य सरकार पर्टिकुलर एक शर्त के साथ कि आपको ये भूमि अलॉट की जा रही है, आप इस भूमि पर कोई एक नए बिल्डिंग नहीं बना सकते, या आप केवल जैसे कंडीशन हुआ है कि आपको रहने के लिए भूमि दिया गया तो आप रहेंगे, वहाँ पे आप उद्योग नहीं स्थापित कर सकते, लेकिन सरकार से आपने पट्टे पर भूमि ली है कि उद्योग स्थापित करूंगा करके और वहाँ पे आपने रहने के लिए घर बना दिया, तो वही इसमें बताया गया सशर्त। अगर राज्य सरकार से सशर्त अगर आप कोई भूमि लेते हैं, वो क्या है, उसमें आपका केवल उपभोग करने का अधिकार रहता है, उसके आप स्वामी नहीं बनते, वही है होता है आपका सरकारी पट्टेदार। इसके साथ साथ धारा 181 में ये भी बताया गया है कि दखल देने का अधिकार प्रदान, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को उस भूमि पर दखल देने का मतलब रहने का अधिकार कौन प्रदान करता है, राज्य सरकार या उस क्षेत्र का कलेक्टर। यानी आपका जैसे दुर्ग जिला है, दुर्ग जिला में यदि सरकार ने पट्टा अलॉट कर दिया, कोई खाली भूमि है वहां पे लोगों को रहने के लिए पट्टा अलॉट कर दिया, तो उस पट्टे में, उस पर्टिकुलर भूमि पर रहने के लिए अधिकार कौन प्रदान करेगा उन व्यक्तियों को, वो होगा आपका या तो राज्य सरकार होगा या तो उस क्षेत्र का, उस जिले का कलेक्टर उन्हें अलॉट करेगा। ठीक, दखल मतलब उस भूमि पर दखल देने का यानी रहने का अधिकार या उपयोग करने का अधिकार। नेक्स्ट है धारा 182 में बताया गया निष्कासित या बेदखल। देखिए, ये हो गया दखल, ये हो गया आपका बेदखल, यानी उन्हें किस कंडीशन में उन्हें निकाला जा सकता है। देखिए क्या है, लगान देय दिनांक से 3 माह तक अदा न करने पर। लगान मतलब वही भू राजस्व हो गया या पट्टा कर राशि हो गया, तो भू राजस्व होता है जैसे आपकी खुद की भूमि है तो उसके लिए आप भू राजस्व पे करेंगे, लेकिन यदि आप पट्टे पर रह रहे तो उसके लिए आपको लगान यानी वही टैक्स देना पड़ता है। ठीक, लगान देय दिनांक से 3 माह तक अदा न करें, यानी जो आपका डेट डिसाइड किया गया है कि आपको पर्टिकुलर इस डेट तक आपको अपना टैक्स पे कर देना है, लेकिन आप पे नहीं करते और 3 माह तक यदि आप अदा नहीं करते तो उस कंडीशन में आपको आपकी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। उद्देश्य परिवर्तित, जैसे कि मैंने बताया उद्देश्य परिवर्तित, यानी सरकार से आपने भूमि लिया है कि मैं इस भूमि को मैं पट्टे पर राज्य सरकार से ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैं रहूँगा करके, घर बना करके रहूँगा, लेकिन आप यहाँ पर उद्योग स्थापित कर दे रहे, तो उस भूमि का क्या, उद्देश्य परिवर्तित हो गया, तो उस कंडीशन पर भी आपको वहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। अवधि समाप्त, जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को रहने के लिए 30 साल के लिए आपका पट्टा पर भूमि अलॉट करती है। ठीक, देखिए 30 साल याद नहीं रखना, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो पट्टा जो अलॉट होता है वो 30-30 साल के लिए ही होता है, तो 30 साल के लिए यदि पट्टा अलॉट करी और उसकी अवधि समाप्त हो गई तो आपको निष्कासित कभी भी किया जा सकता है। और दूसरा, शर्तों का उल्लंघन करने पर। शर्तों का उल्लंघन सेम है, उद्देश्य परिवर्तित वही, मतलब सरकार से आपने इस शर्त पर लिया कि मैं उस भूमि पर रहूंगा, लेकिन आपने उस शर्त को परिवर्तित करके वहां पर उद्योग स्थापित कर दिया। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवा भूमि।
सेवा भूमि मीन्स सर्विस लैंड, यानी क्या बोला गया है इसमें, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि मतलब आज आपको उस भूमि पर रहने के बदले या उस भूमि का उपयोग करने के बदले आपको किसी भी प्रकार का लगान, टैक्स या रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस भूमि में रहने के बदले सरकार को सेवा देना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली के लिए सरकार क्या है, गौठिया नियुक्त करता है, पटेल लोगों को नियुक्त करता है। तो सरकार जो पटेलों को नियुक्ति करती है राजस्व वसूली करने के लिए या लगान वसूली करने के लिए, तो उन्हें सरकार किसी भी प्रकार से अपने जेब से पैसा नहीं देती, उन्हें एक भूमि दे देती है कि आप इस भूमि पर रहिए, उसके बदले में आप ये पटेल की भूमिका निभाइए या पटेल का आप कार्य कीजिए कि आप भू राजस्व को कलेक्ट करके सभी से सरकार के खाते में आप जमा करेंगे। ठीक, जैसे तो जैसे पटेल को जो भूमि अलॉट हुई, जो गौठिया को जो भूमि अलॉट हुई वो होता है, उन्हें जो पटेल जो सरकार ने जो उन्हें एक पद नियुक्त किया है, पटेल का जो पद उन्हें दिया है, उसके बदले सरकार उन्हें पे नहीं करती, उन्हें एक भूमि दे देती है, उस भूमि पर रहने के एवज में वो अपनी सर्विस सरकार को देते हैं। तो वही है आपकी सेवा भूमि। लेकिन इन व्यक्तियों को भी निकाला जा सकता है उनकी भूमि से, जैसे सरकार ने यदि उन्हें रहने के लिए भूमि दिया है और वो उसे गैर कृषि कार्य, जैसे अगर कृषि के लिए भूमि दिया है कि आप पर्टिकुलर इस भूमि पर कृषि करेंगे, और यदि आप उसमें उसे क्या है गैर कृषि कार्य में व्यवर्तित मतलब डाइवर्ट कर दे रहे हैं, उसे बेचने के उद्देश्य से उसका क्या है डाइवर्जन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। सरकार की भूमि को यदि आप बेचने के लिए किसी के पास बेच रहे हैं तब आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, किसी को दान कर दे रहे हैं तब निष्कासित कर दिया जाएगा, बंधन यानी मॉर्गेज और पट्टा, किसी और को पट्टा पे अलॉट कर रहे हैं, सेवा भूमि को आप पट्टे पर या आप इसे मॉर्गेज यानी किसी के पास गिरवी नहीं रख सकते। ठीक, तो ये कंडीशन इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अध्याय 14 बहुत छोटा है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मौरूसी कृषक यानी ऑक्यूपेंसी टेटेंट, देखिए ये होता क्या है, इसमें धारा 185 से लेकर के 202 तक बताया गया है। मौरूसी कृषक, देखिए ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इसमें क्या है कि अगर मौरूसी का एक्चुअल वर्ड बोलूं तो जो भूमि आपको विरासत में मिलती चली आती है, इसमें क्या है, इसमें जो आपका धारा 185 है उसमें क्या बताया गया है, मौरूसी कृषकों का वर्ग बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता पहले क्या था, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता था, तो उसमें स्पेसिफाई किया गया था कि मध्य भारत में रहने वाले लोगों को इस कृषक वर्ग का कहा जाएगा, विंध्याचल में रहने वाले लोगों को इस कृषक वर्ग का, अलग अलग एक कृषक वर्ग स्पेसिफाई किया गया है। और उस जैसे विंध्याचल में रहने वाले जो कृषक है उन्हें केवल यदि अपनी भूमि बेचना चाहते हैं या अपने अधिकारों का अंतरण करना चाहते हैं तो वो विंध्याचल में रहने वाले व्यक्तियों को ही कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन स्पेसिफाई हुआ है। ठीक, तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हम इसमें ज्यादा पढ़ करके चीजों को लेंदी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा इसमें कि धारा 100 अगर पूछना हुआ तो धारा 185 के अंतर्गत या मौरूसी कृषक वर्ग का इस संहिता के अंतर्गत किस धारा में उल्लेख किया गया है। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है मतलब अदर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में जो आपका एग्जाम हुए है जुडिशरी एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि मौरूसी कृषक वर्ग को किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तो याद रखिएगा धारा 185 के अंतर्गत मौरूसी कृषक वर्ग के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इतना सारा है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। नेक्स्ट आपका दो वीडियो और लगेगा और दो वीडियो में आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पीडीएफ ले भी रहे लेके रखे रहिए, पीडीएफ जो है आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन जब तक मैं उसको समझाऊंगा नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, शॉर्ट में उसमें ही मतलब शॉर्ट में नहीं थोड़ा सा बस डिस्क्राइब किया, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, केवल भारी भरकम नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, कम चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।